औरंगजेब की आत्मा घुस गई इनके अंदर। औरंगजेब को मिट्टी के अंदर ही दफन रहने दो, उसको जीवित मत होने दो। यही समाजवादी पार्टी थी, राशन माफिया भी थे, और आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। और मैं तो कहता हूं, जो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं ना, हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में जितनी पाकिस्तान की आबादी है, उससे बड़ी आबादी को गरीबी से उभारने का काम किया है, गरीबी से ऊपर खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। और पाकिस्तान 23 करोड़ लोगों को रोटी नहीं दे पा रहा है, भूखों मर रहे हैं लोग। 1 किलो आटा के लिए छीना झपटी होती है। मोदी जी के नेतृत्व में आज गरीबों का कल्याण, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन प्राप्त कर रहे हैं, 60 करोड़ लोगों के 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत की सुविधा, वे कहीं भी जाएं देश के अंदर उनको मुफ्त में 5 लाख रुपए की मुफ्त में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। 12 करोड़ किसानों के को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन। और मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन की शुरुआत बलिया से ही की थी। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ घर बन गए हैं, और मोदी जी ने कहा है बहन और भाइयों, मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 4 जून के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएंगे। जितने गरीब होंगे उन सबके मकान बनेंगे, सबके मकान देंगे। एक तरफ ये कार्य करने वाली सरकार, और दूसरी तरफ माफियाओं को संरक्षण देने वाली, आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने वाले, देश के सम्मान को गंवाने वाले, देश के अंदर विकास के कार्यों को ठप करने वाले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं, गरीबों से कोई लेना देना नहीं। ये पाकिस्तान की पैरवी करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, माफियाओं को अपने गले का हार बनाते हैं, और भारत विरोधी कृत्यों को करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी समझते हैं। आज आप देख रहे होंगे इनका घोषणा पत्र क्या कहता है, सत्ता में आएंगे तो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण को मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप बांटने देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी हरगिज काम नहीं करने देगी, कतई नहीं करने देगी, किसी भी स्थिति में नहीं करने देगी। कोई भी माइका लाल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, आरक्षण का आधार अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति को केवल आरक्षण मिलेगा, मुसलमान को आरक्षण नहीं मिल सकता है। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जबरदस्ती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं आपके पास कहने के लिए। ये कहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करेंगे। और इनके द्वारा कहा जा रहा है तालिबानी शासन लागू करेंगे। अरे हिंदुस्तान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा? हिंदुस्तान में कोई शरीयत का कानून और कोई तालिबानी व्यवस्था लागू नहीं होने देंगे, इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहन और भाइयों, ये कहते हैं अगर सत्ता में आए तो हिंदुओं पे बरासत टैक्स लगाएंगे। ये बरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? बरासत टैक्स का मतलब
आपकी पूर्वजों ने जो संपत्ति अर्जित की है, जो संपत्ति आपको अर्जित की है, आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादों ने, आपकी मां ने, उस संपत्ति का ये लोग क्या करेंगे, सर्वे करवाएंगे और उसमें से आधी संपत्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्या मुसलमानों को बंदर बांट करने का काम करेंगे। आपको पता लगा आपके पिताजी ने, आपके दादा ने, आपके बाबा ने कोई मकान बनाया है, चार कमरे का मकान है, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई तो क्या कहेंगे, कहेंगे दो दो घर में तुम रहो और दो घर किसी मुसलमान को दे दो। अरे आपके घर में कोई मुसलमान बसेगा क्या, आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई इनके अंदर। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। बहन और भाइयों, कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता। इसलिए नहीं रखता है क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप को मारा, अपने बाप को तड़प तड़प करके एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। उसका बाप शाहजहां भी कहता है कि औरंगजेब तो जैसा दुष्ट पुत्र किसी को पैदा ना हो, तो ने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। तो से अच्छे तो ये हिंदू हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी श्राद्ध और तर्पण करके अपने पितरों को जल देने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये शाहजहां के द्वारा हिंदुओं के बारे में कहा गया। और औरंगजेब ने हिंदुओं के लिए कर लगाया था, उसका नाम था जजिया कर। हिंदुओं को कहता था या तो मुसलमान बनो नहीं तो जजिया कर दो। ऐसे ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग भी करना चाहते हैं। औरंगजेब की आत्मा घुस गई इनके अंदर, औरंगजेब को मिट्टी के अंदर ही दफन रहने दो, उसको जीवित मत होने दो। और यही कहने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरी अपील है, मैं पूछना चाहता हूं, अयोध्या में क्या राम मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? करा पाते क्या? कितने लोग अयोध्या गए हैं आप में से? वाह भाई, काफी बड़ी संख्या गई है। और मैं कहूंगा चुनाव के बाद दयाशंकर से, पीयूष राय से और नीरज शेखर जी से भी कि यहां के लोगों को एक बार अयोध्या का दर्शन करवा के लेके आओ। आज नई अयोध्या देखेंगे ना, आप भी देखेंगे कि भगवान राम की कृपा साक्षात बरस रही है। बहनों और भाइयों, एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलाने वाली समाजवादी पार्टी है और दूसरी तरफ राम भक्तों का आवभगत करने वाली, आपको पुण्य का भागीदार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। और इसीलिए मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, पर देश की जो आवाज है वो आवाज यही है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को